सूरा मेरे मज पमान डठन बेर मनी सिखा पदिंग समाधियानी बुद्धं शरणं गच्छामि। समन संघ क्या है और क्या करता है, इस सवाल को खोजने के लिए लोग नेट पर डालते हैं आजकल समन, व्हाट इज समन, समण, समण संघ क्या है, या हैशटैग मैं समन हूं या हैशटैग आई एम समन। और जितनी भी जानकारी समन के बारे में अब तक समन संघ ने दी है या जो समन ग्रंथों में लिखी है वो लगभग सारी जानकारी वहां अवेलेबल हो जाती है, कुछ नहीं होती है तो वीडियो में मिल जाती है। पुराना शब्द है समन, पर पुरानी बातों के बारे में जब तक जानकारी नहीं होती, जब तक वो जानकारी पीछे से लगातार जैसे वंश होता है, बांस होता है और बांस में एक के बाद एक पत्ती निकलती रहती है, वैसे परंपरा के रूप में ना मिले। और वो जानकारी सारी की सारी जो वंश की जानकारी थी, वंशीय जानकारी थी, बांस की तरह जो आगे बढ़ने वाली जानकारी थी, वो जानकारी कहीं खत्म कर दी गई या खत्म हो गई, या हम इतने बेफिक्र हो गए कि हमें उसकी जानकारी की आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने हमारा अपना जो इतिहास है या जो अपनी जानकारी है उसको खोजने की कोशिश लगातार की है, और जिन भी लोगों ने ये जानकारी खोजी या खोजने के लिए मेहनत की वो लगभग सभी लोग समण पर आकर रुके हैं, लगभग सारे लोग। कईयों को समण समझ में आया, कईयों को श्रमण समझ में आया, कईयों को कुछ और नाम समझ में आए, पर सारे के सारे पहुंचे इसी सभ्यता पे, पहुंचे इसी सिविलाइजेशन पे और पहुंचे इसी संखति पे। पर अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि चीजें बीच बीच में बहुत ज्यादा गायब थी और पहेलियां जोड़ने में समय लग गया। हमारी जो जानकारी है, जो शुरुआत है, जो पहचान है, उस पर हम काम नहीं करते। हमारे जितने भी लोग हैं वो कोशिश तो इकट्ठा होने की करते हैं, पर इकट्ठे होने के जो तरीके हैं, जो अपनाते हैं, वो बहुत छोटे छोटे से हैं। और वो उन्हीं तरीकों को ये मान के चलते हैं कि ये जो तरीके हैं यही अपने आप में पूरे हैं, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं पूरा जीवन उस तरीके में लगाते हैं, उस प्रोसेस में लगाते हैं जो उन्होंने बनाया है या जो उन्होंने समझा है या जाना है या महापुरुषों की किताब में से जो थोड़ा सा हिस्सा उठा लिया है, पूरी किताब नहीं उठाई किसी ने, पूरी जानकारी नहीं उठाई, थोड़ा सा हिस्सा उठा लिया, बस उसी हिस्से को सच मानकर और उसके काम पे लग गए, और ये सोच के काम पे लग गए कि इससे ही सारे लोगों को बांध सकते हैं, सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। पर भारत बहुत बड़ा है, जो समण भूमि है, जिसको हम भूमि बंधन करते हैं, बंदामी करते हैं, धरा बंदामी करते हैं, वो बहुत विशाल है। आप अगर अपने वाहन से भी पूरे भारत को घूमना चाहोगे तो जब निकलोगे और जब वापस आओगे तो 8-10 साल आराम से निकल जाएंगे। इतने सारे गांव, इतने सारे शहर, इतने सारे स्टेट, इतने सारे तहसील, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी नदियां, इतने सारे पठार, इतने सारे पर्वत, इतने सारे समतल मैदान, इतना समुद्र, समुद्र की बहुत बड़ी लाइन है, पहाड़ों की बहुत बड़ी रेंज है, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग तरह के लोग, और उन सारे लोगों में एक व्यक्ति की पहचान पूरे देश में मिलती है, और वो व्यक्ति अपनी पहचान को कायम करने में कामयाब रहे, और वो पहचान भी हमने दी। ऐसा नहीं है कि वो पहचान उन्होंने अपनी खुद बनाई है, वो जो व्यक्ति है, जो एक तरह का जिसकी पहचान है,
उससे सारे के सारे जितने भी हमारे पुराने लोग हैं उसका नाम लेके परेशान रहते हैं, उसका गुणगान करते रहते हैं, परेशान रहते हैं पर गुणगान करते हैं। उसको वो ब्राह्मण बोलते हैं, उसको ब्रह्मण बोलते हैं, उसको ब्रह्मण बोलते हैं, उसको द्विज बोलते हैं, उसको बाहरी बोलते हैं, उसको विदेशी बोलते हैं, उसको अल्पजन बोलते हैं, उसको सवर्ण बोलते हैं। बहुत सारे नाम रखे हुए हैं जो नाम अपने विरोध में है या जिनका अपने से विलोम नाम है, यानी जो नाम अपने लिए रखते हैं उसका विलोम उनके लिए रखते हैं। पर सबसे पुराने नाम पर कोई जाने को तैयार नहीं है, और सबसे पुराना जो नाम है वो हमने रखा है। तो सामने वाले का जब हम कोई नाम रखते हैं तो हमारा भी कोई नाम होना चाहिए, इसको याद नहीं करते। किसी भी देश के अंदर जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो उस देश का तो होता नहीं, तो उसको कुछ तो बोलेंगे वहां के लोग, अब वो खुद तो जाके कहेगा नहीं, बहुत ज्यादा बताएगा तो अपने देश की भाषा बताएगा, अपने देश से जो रूप रंग लेके आया वो बताएगा, अपने देश से जो कपड़े पहनने का तरीका है वो बताएगा, जो खाने पीने का रहने का तरीका है वो बताएगा, जो शादी विवाह का व्यवहार का तरीका है वो बताएगा, जो कुछ वहां उसने सीखा है वो बताएगा। पर उससे जो मान्यता मिलेगी वो खुद नहीं ले सकता। कोई भी व्यक्ति जो बाहर से जाता है किसी दूसरी जगह, उसका नाम बाहर वाले लोग रखते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे देश के लोगों का नाम कैसे रखेगा, उसे मानेगा कौन, उसे जानेगा कौन? वहां कोई व्हाट्सएप तो है नहीं, वहां कोई यूट्यूब तो है नहीं, वहां कोई इंस्टाग्राम तो है नहीं, वहां कोई फेसबुक तो है नहीं कि चलो एक पोस्ट निकाली तो लाखों लोगों तक पहुंच गई तो बात बन भी जाए। कहां जाएगा पूरी दुनिया में ये कहने के लिए कि सारे लोग ये हैं? इसलिए जहां ज्यादा लोग होते हैं वो बहुत कम इक्का दुक्का लोगों का नामकरण करते हैं। बौना है, ठिगना है, मद्रासी है, अफगानी है, ईरानी है, मंगोलिया है, सोवियत यूनियन का है, सोवियत संघी है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, समुद्री डाकू है, समुद्री नाबुक है, या जो भाषा होती है उसके आधार पर रखते हैं। तो वो लोग नाम रखते हैं जिनके यहां कोई व्यक्ति जाता है। तो नाम रखो भाई, क्योंकि इतने सारे लोग आपके यहां देश में आए, कोई मंगोल से आया, कोई बर्मा से आया, कोई सीरिया से आया, कोई यमन से आया, कोई मध्य एशिया से आया, कोई रूस से आया, कोई जो अरब के दूसरे कंट्री हैं उनसे आया, कोई समुद्र के रास्ते आया, कोई पहाड़ कूद के आया, कोई पठारों पर चढ़ के आया, कोई उबड़ खबड़ जगह से आया, कोई घूमने आया तो यहीं रह गया, और कोई आया खाना पीना ढूंढने के लिए तो उसे यहाँ खाना पीना इतना मिला, गर्म मौसम मिला तो यहीं रह गया, यहाँ के लोग इतने मीठे मीठे अच्छे अच्छे तो जाने का मन नहीं किया। बाद में भी लोगों की आमद होती रही, जो ऊपर से आए जिन्होंने इस्लाम अपना लिया वो यहाँ आके टिक गए, उनके वंशज यहीं रह गए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी जो मान्यता है जो इस्लामिक मान्यता वो सिखाई, लोगों ने अडॉप्ट कर ली तो इस्लाम के लोग हो गए। यहीं जो क्रिश्चियन लोग हैं वो आए, कोई आयरलैंड से आया, कोई ब्रिटेन से आया, कोई फ्रांस से आया, कोई पोलैंड से आया, वो लोग आए यहाँ अपनी अपनी सेना लेके, वो कुछ रह गए कुछ चले गए, वो भी यहाँ आए। तो जितने भी लोग यहाँ आए हमने उनका कोई ना कोई नाम रखा और कोई ना कोई नाम उनको दिया, और हमने दिया। कभी भी किसी भी देश में बाहर का व्यक्ति पूरे देश के लोगों को नाम नहीं देता, इसको अच्छी तरह से समझ लें। और हमने तो सीधे सीधे वहीमण बहीमण भमण यानी बाहरी, दिज माने भी होता है पक्षी, दिज माने होता है जो दूसरे देश से पक्षी उड़ के आता है उसको दिज बोलते हैं, दिज नाम दिया। और जो व्यवहार था जो हमारे से व्यवहार खराब था या अच्छा था इसका जिक्र नहीं है, हमारी संगति से, हमारे व्यवहार से, हमारे खाने पीने से, हमारे रूप रंग से, हमारी भाषा से, हमारी बोलचाल से, हमारी जो शादी की पद्धति है, बच्चों को पढ़ाने की पद्धति है, जो हमारा रहना है, जो हमारे घर हैं, जो मकान है, जो हमारी भाषा है, उन सब से उलट, हमने तो ये कहा था कि इन सब से उलट हो आप, यानी कि वम हो, विपरीत हो, दिज हो, यानी कि उड़ के आए हो,
भम्मण हो, बाहरी हो, बहिमण हो, बाहर से आए हो। ये बात 200%, 300%, 400% सत्य है। सारे के सारे जितने भी इतिहासकार हैं वो बताते हैं भारत में 13 बार इन्वेड हुए हैं। मतलब वैसे तो बहुत बार लोग आए गए हैं क्योंकि कोई इक्का दुक्का कभी कहीं से आया कहीं है, पर मेजर जो इन्वेजन है जो बाहर से लोग आए हैं वो 13 बार आए हैं। तो जमीन तो सबकी, जमीन पर किसी का नाम तो नहीं है, पूरी दुनिया में सब लोग जो ह्यूमन है वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कोई ऐतराज भी उस समय नहीं हुआ कि आप आए, पर वम नाम रखा उनका वम, और बाद में ने लगा दिया, अड़े लगा दिया तो नाउन बन गया। हम नाउन ऐसे ही बनाते थे, बाद में जिसमें भी हमने ने लगा दिया उसमें, या कई बार हम मैं भी लगाते हैं या के भी लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। तो वम वालों को हमने वमण कहा और अपने आप को हमने समन कहा। पहली बार हमने अपने अपना खुद का भी नाम रखा, क्योंकि हम अब दो लोग हो गए ना, एक बाहर के लोग हो गए जिनका रूप रंग अलग है, सारा व्यवहार अलग है, और एक वो लोग हो गए जो यहीं रहने वाले हैं, काले मोटी नाक के, काली आंख की पुतली के, काले बालों के, और खाने को अच्छा मिल जाए तो गाल और शरीर गोल हो जाते हैं, दांत एकदम सफेद हो जाते हैं, भारी भारी मुच्छ वाले, भारी भारी दाढ़ी वाले, और कद काठी दरमियानी, कुछ कुछ कोई कोई लंबा भी हो सकता है। इस तरह के लोग जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, गर्म प्रदेशों में ऐसे लोग होते हैं। तो बाहर के जो लोग आए वो गर्म प्रदेश के नहीं थे, अगर गर्म प्रदेश के होते तो वो आते ही क्यों, वो तो ठंड के मारे ठंडों में परेशान, माइनस के 20 डिग्री माइनस 30 डिग्री में रहने वाले, और भारत में तो माइनस 20-30 डिग्री सिर्फ हिमालय पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता। नीचे आओगे जैसे थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक आ जाता है, और नीचे आओगे तो 10-12 डिग्री तक जाता है। कभी कभी ठंड में एक आध हफ्ते में नीचे भी थोड़ा बहुत डाउन रहता है, पर गर्मी होता है, दिन में धूप रहती है। तो उन लोगों का तो दिज कहा हमने, दिज का मतलब है वो पक्षी जो जैसे साइबेरिया के पक्षी आते हैं, वो आते हैं यहां रहते हैं, प्रवास करते हैं, चले जाते हैं, पूरी दुनिया में पक्षियों को दिज बोलते हैं। दूसरा हमने बम्मण कहा यानी बहिमण, जो बाहर के लोग थे, बाहर वाले लोग थे, और एक हमने कहा उनको वमण यानी कि जो वम है जो उल्टे हैं रीति रिवाज में, और एक हमने उनको कहा अवन। अवन क्यों कहा? अवन इसलिए कहा क्योंकि हम अपने रंगों को वर्ण बोला करते थे, कहते जैसे हम कहते हैं वर्णन करो, तो वर्णन का मतलब है रंग बताओ, क्या क्या रंग है रंग बताओ, वर्णन करो। तो जो वर्ण होता है कहते हैं इसका जो वर्ण है वो बड़ा साफ सुथरा है, ये साफ सुथरे वर्ण का है, या ये श्वेत वर्ण का है, या ये पीत वर्ण का है, या ये लोहित वर्ण का है, या ये हरित वर्ण का है। तो इस तरह से हम वर्ण जो बोलते हैं पाली में, पुरानी भाषा में, रंग नाम नहीं है, वर्ण नाम है। कलर को जो बोलते हैं वो वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण बता रहे हैं कि भाई वर्ण कैसा है। अब क्या बताएं, जो रंग हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं, जिसको हमने सोचा नहीं, सपनों में नहीं देखा, क्योंकि कोई फोटो वोटो वीडियो वीडियो तो होते नहीं थे जो ग्लोबल को न्यूज आ जाए और हमें पता चल जाए कि भाई कुछ लोगों का रंग ऐसा है, कुछ लोगों का ऐसा है, कुछ लोग, हमने तो यहाँ पक्का ही रंग देखा, हिरन जैसी खाल का रंग देखा, या गेहूं जैसे जो दाने उनका रंग देखा, बाद में सोना निकला तो सोने जैसा रंग भी बोला हमने, सवर्ण उसको बाद में स्वर्ण इसलिए बोलने लगे, तो सोने जैसा रंग देखा हमने, उगते हुए सूरज जैसा, ये रंग हुआ करते थे। इन रंगों की तुलना हम कर रहे हैं, पर वो जो लोग पहाड़ से उतर के आए, ठंड के एरिया से उतर के आए, उनका क्या नाम दें, वो रंग तो कभी देखा नहीं। तो जब नहीं देखा तो कह दिया अवर्ण, यानी बिना रंग का है, रंग नहीं है। श्वेत भी नहीं बोला हमने, ऐसा नहीं है कि हम उसको श्वेत बोले कि वो श्वेत हो गया और हम अश्वेत हो गए, यानी वो सफेद हो गया और हम काले हो गए, ये बाद में लिखा गया है, पर हमने अपने वर्ण के हिसाब से उनको कहा अवर्ण है। अवर्ण को बाद में संस्कृत करके वर्ण को वर्ण कर दिया तो अवर्ण हो गए, और हम अपना नाम खुद को लिखते हैं सवर्ण। से माने युक्त, साथ निज, यानी कि रंग के सहित। क्या रंग है हमारा, हम उसको बताते हैं, क्योंकि आज भी हम कहते हैं बैंगनी रंग है, हमें पता नहीं, अगर बैंगन ना हो तो हम बैंगनी रंग को बताने में फिर किसी और चीज का, फूल वूल का किसी का नाम लिखेंगे। तो हम चीजों के रंगों से मैच करते हुए बोलते हैं, घिया कलर है, गाजर का कलर है, यानी कि जो प्राकृतिक पुराने रंग आ रहे हैं उन्हीं रंगों से बोलते हैं। तो हमने बोल दिया कि भैया सोने का रंग कैसा है, हमारे जैसा है, सवर्ण। तो सोने को अपने रंग के अनुसार हम सवर्ण बोलने लगे, तो स्वर्ण हो गया, बाद में अक्षर बदल दिए, क्योंकि सोना बढ़िया होता है, सवर्ण अच्छा होता है, तो अवर्णों ने सवर्ण कर लिया अपने आप को, सवर्णों को जबरदस्ती अवर्ण पकड़ा दिया। अरे हम काहे के अवर्ण है भाई,
पक्का रंगे घोट का पिया हुआ है, हमने तो काले, हम तो गेहूं है, हम तो सूरज की तरह है, हम तो रोशनी की तरह है, हम तो गेहूं की तरह है, हम तो हिरण की तरह है, दुनिया जानती है। हिरण को भी सोना बोलते हैं बाद में, हिरण का मतलब है हिरण की तरह। तो पक्के रंग के हम आज भी हैं, मिक्स हो गए थोड़े बहुत, मिक्स ब्रीड हो सकती है, संकर वर्ण हो सकता है, मिक्स रंग हो सकता है, पर हैं पूरे पूरे सवर्ण ही हम लोग। तो ये जो नाम दिए हमने, इनमें से एक नाम तो खूब चला और एक नाम लुप्त हो गया, ये बड़ी मजेदार सी बात हुई। और ये क्यों हुआ और कैसे किया, इसकी कहानी अगर समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगा कि समण क्या होता है क्या नहीं होता है। वो जो व्यक्ति आए अलग अलग जगह से, उनको इस बात का एहसास था कि वो संख्या में कम है। हालांकि यहां कोई संसद का चुनाव नहीं होना है, यहां कोई प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होना है, यहां कोई पार्लियामेंट नहीं जीतनी है, यहां कोई मेंबर और पार्लियामेंट के या विधानसभा के लोगों को जीतकर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनना है, पर फिर भी बाहर के लोगों को, कम को, अल्पसंख्यक को, थोड़े लोगों को ये समझ थी, हम तो बाहर ही हैं। और बाहर के लोगों को कभी भी कहा जा सकता है कि भाई तुम अब जाओ, गुड बाय। तो हमको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए इकट्ठा रहना चाहिए और आपस में लेन देन करना चाहिए, आपस में व्यापार करना चाहिए और व्यापार को बढ़ाना चाहिए, अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, अपने बच्चे बढ़ाने चाहिए, अपने बच्चे सुरक्षित रखने चाहिए, हमारे बच्चों को कोई मारे ना। ऐसे नियम बनाने चाहिए कि अगर हमारे बच्चों को कोई मारे तो उसको दंड मिलना चाहिए, बेशक हम किसी के बच्चे को मारें। नेचुरल है, जब थोड़े लोग हैं, खाना बदोश हैं, यायावर हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे। तो यायावर खाना बदोश लोग मिल गए, ठीक है। ऐसे जैसे अमेरिका के अंदर जो एशिया के लोग हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री के हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, चाहे नेपाल के हैं, चाहे इंडिया के, पर साथ रहते हैं, वहां वो एशियन है, वहां उनकी जो पहचान है एशियन है। और जैसे ही वो अमेरिका की बाउंड्री से जहाज लेके उड़ते हैं, फिर वो नेपाली हो जाते हैं, फिर वो अफगानी हो जाते हैं, फिर भूटानी हो जाते हैं, फिर भारतीय हो जाते हैं, फिर पाकिस्तानी हो जाते हैं, फिर अफगानिस्तानी हो जाते हैं। और जैसे ही वो जहाज भारत में उतरता, लैंड करता है, तो फिर वो उत्तर प्रदेश वाले हो जाते हैं, मध्य प्रदेश वाले हो जाते हैं, वो फिर उड़ीसा वाले हो जाते हैं, फिर वो मेघालय वाले हो जाते हैं। और जैसे ही जहाज स्टेट में लैंड करके उनकी बस पहुंचती है, तो बस के अंदर फिर वो अलग अलग समुदाय हो जाते हैं, कोई हिंदू हो जाता है, कोई सिख हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई जैन हो जाता है, कोई बौद्ध हो जाता है। और फिर थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं तो फिर वो कास्टों में आ जाते हैं, कह रहे भाई अब तो लोहार है, सुनार है, चमार है, महार है, जाटव है, वाल्मीकि है, चूड़ा है, सैनी है, माली है, धोबी है, तेली है, फिर वो इसमें आ जाते हैं। और जब जब वो घर पहुंचते हैं तो फिर वो कुलों में बढ़ जाते हैं, फिर वो कहते हैं भाई जाति वाति तो सब एक ही है, पर अब हम हमारे भी जातियों में अलग अलग टुकड़े हैं। और फिर जब और भी नीचे पहुंचते हैं तो फिर वो ताता जो चाचा ताऊ हैं, फिर उनमें भी लट्ठम लट्ठा होनी शुरू हो जाती है। जहां जैसी जगह है उसी के हिसाब से मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए उन लोगों ने अपने को इकट्ठे रखने का एक कसम खाई। और उन्होंने जो कसम खाई वो बड़ी अच्छी रही उनके लिए, बड़ी फ्रूटफुल रही, बहुत बढ़िया रही, कि भाई देखो इन लोगों ने हमको कहा तो बाहरी है और हम हैं भी बाहरी, हमारा यहाँ कोई रोजगार नहीं है, हम कोई यहाँ काम नहीं करते, इसलिए हमारी यहाँ कोई जात भी नहीं है और हम यहाँ के कभी जिंदगी में मूल निवासी बन नहीं सकते, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी है नहीं, कोई यहाँ का काम करे, रूप रंग हो तो बने भी, तो या तो हम यहाँ के लोगों से, जैसे लड़कियां हैं यहाँ की, इनसे शादी करके थोड़े मिक्स हो जाएं तो थोड़ी भाईचारा बना रहेगा, और या फिर हम आपस में मिलें। तो उन्होंने दोनों ही काम किए, उन्होंने शादियां करके यहाँ मिक्सिंग भी की और आपस में भी अपने आप को अलग बना के रखा। तो जितने भी लोग थे उनका वही शब्द जो हमने उनको दिया वमण, वही उनकी ताकत बन गया, और जो शब्द हमारा था समण वो हमारी ताकत नहीं बन पाया, क्योंकि उन्होंने जो नियम बनाया वो ये बनाया कि कोई भी कहीं है, चाहे वो पहाड़ से उतरा हुआ मोटी नाक का गोल वाला बंदा है, ढोल जैसा बंदा है, चाहे वो इधर कश्मीर के ऊपर से आया हुआ पतली नाक का लंबा बंदा है, चाहे वो इधर सीरिया से आया हुआ थोड़ा सा कम उसका कद का है, चाहे भले ही वो बर्मा से आया हुआ है, चाहे भले ही मध्य एशिया से आया हुआ है, जो भी व्यक्ति है, हम सारे अपने आप को अपने कंट्री के नाम से, अपनी सभ्यता के नाम से पहचान नहीं करेंगे, हम पहचान करेंगे जो नाम हमें यहां मिला है वमण के नाम से, और हम वमण ही एक दूसरे को कहेंगे, और हम एक दूसरे के साथ शादी भी करेंगे, हम एक दूसरे के साथ व्यापार भी करेंगे, और कोई भी बच्चा किसी के यहां भी जाए या आए
वो बच्चा उसका अपना बच्चा माना जाएगा और वो उसकी पूरी मदद करेगा। ये कसम उन्होंने उठा ली और उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी पहचान पूछे अपने कंट्री की पहचान ना बता के वमण की ब्राह्मण की पहचान बताएगा। और अपना संस्करण भी कर दिया उन्होंने, वमण से ब्राह्मण कर दिया, ताकि वमण जो बाह्य है छाप लगी हुई है वो खत्म हो जाए, और साथ ही साथ जो श्रमणों का शब्द है उसको भी वो श्रमण करके कहने लगे और बताने लगे। क्या क्या फायदा हुआ इससे, क्या नुकसान हुआ? फायदा यह हुआ कि नेशनलिटी यानी कि इंडियन बाद में है, भारतीय बाद में है, पहले वमण है, तो पूरी दुनिया के वमणों से जुड़ गया। अगर खाली इंडियन कहेगा अपने आप को तो इंडिया के लोगों से जुड़ेगा, पर अगर अपने आप को वमण कहता है तो जहां जहां से भी आया है वहां वहां से उसकी जड़ें बरकरार हैं, हरी हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। क्या फायदा हुआ उससे कि उनका बच्चा हर स्टेट में आ सकता है, हर स्टेट में जा सकता है, व्यापार कर सकता है, नौकरी कर सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, और उसकी परवरिश और उसकी सुरक्षा वैसी होती है जैसे उस घर में होती है। तो उनके बच्चों को जानकारी, उनका आदान आना जाना सब कुछ बढ़ रहा। जबकि यहां श्रमणों के लिए बाद में नियम बनाया कि समुद्र पार करेगा नहीं, मतलब ऐसा भी नियम बना दिया कि समुद्र में जाएगा नहीं, क्योंकि समुद्र की यात्रा करेगा तो यूरोप को देखेगा, दुनिया को देखेगा, तो पता चल जाएगा कि ये वमण लोग कहां से आए हैं, इनकी कहां संस्कृति है, कहां नहीं है। तो आके यहां कहेगा, अरे तुम तो वहां के हो, यहां ऐसे कैसे बोलते रहते हो? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि बाहर के लोग हैं, आज भी बताती हैं ये बात। उनके घरों में घुसोगे तो पता चलेगा कि उनकी जो संस्कृति है वो किसी दूसरे कंट्री से मैच करती है, और वो कहते भी हैं। जैसे मेरे एक मित्र थे, वो क्रिश्चियन हो गए, यहाँ रहते हैं केरल में, मैं उनके यहाँ गया था, आए थे, नाम मुझे इस समय उनका याद नहीं आ रहा, तो वो कहते थे कि मैं सीरियन ब्राह्मण हूँ, थॉमस मैथ्यू नाम है उनका, वो पीछे से अधिकारी थे, मिनिस्ट्री में थे, तो थॉमस मैथ्यू मेरे मित्र थे और वो कम्युनिस्ट टाइप के थे। तो मैं वहाँ गया अलेपी में, उनके यहाँ 7-8 दिन रहा, अलेपी जो है बढ़िया जगह है केरल के अंदर। तो उन्होंने बहुत सारा बताया, उन्होंने कहा जी हम तो सीरियन ब्राह्मण हैं, हम साफ बताया आपको, और हम ऊँचे हैं, ऐसा बताते थे वो। उनके घर भी मेरे घर के पास था, तो कई बार उन्होंने मुझे केरल का खाना वाना भी खिलाया। तो इसका मतलब वो सीरियन से आए थे, सीरियन ब्राह्मण, और उन्हें इस बात का फक्र है कि वो सीरियन ब्राह्मण है। वो इंडियन नहीं बोला, उन्होंने सीरियन ब्राह्मण बोला, यानी उनका मूल वहां का। तो यहाँ मंगोलियन ब्राह्मण भी हैं, यहाँ यमन के ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण बमण मतलब बाहर के लोग हैं। तो ये कब से आए हैं, कब से जाए हैं, ये सारा सारा हिस्ट्री में लोगों को पता रहता है, क्या कहानी क्या है। ये कहानी उनकी है, उनके साथ है, कोई बात नहीं। बाबा साहब ने लिखा बताया सब कुछ, हमने पढ़ा जाना, और भी जो हिस्टोरियन है उन्होंने भी बता पढ़ाया, पर उनकी बात करके हमें क्या फायदा है? या उनको ये कह गए भाई आज तुम इतने ताकतवर हो, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, आज तुम्हारे पास कोटी बंगला जायदाद है, सब कुछ है, उससे हमें क्या फायदा है? उन्हें फायदा है, आप जितना बात उनकी करोगे वो और इकट्ठे होंगे, क्योंकि उनको फायदे का पता है। अब ये सोचना है कि हम कहां हैं। अगर एक शब्द का इस्तेमाल करके अपनी पहचान को बमण बता के, दुज बता के, वो लोग जो खानाबदोश लोग थे, जो याचक थे, जो याचना करते थे, सिर्फ इकट्ठे होने के गुण से, उन्हें कोई यहाँ जो गुरुकुल है उनमें कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कराई आ गई, या कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा काबिल थे, कुछ वो काबिल आज भी नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। एक गुण, सिर्फ इकट्ठा रहने के गुण, और इकट्ठा रहने का क्या मंत्र और क्या सूत्र, मैं वमण हूं, ये सूत्र उन्होंने अपनाया। यानी कि हर किसी के जहां भी मिले, भाषा नहीं जानते एक दूसरे की, कुछ नहीं जानते, पर उन्होंने चला लिया काम, बात बन गई उनकी कि मैं वमण हूं, और वो आज भी अपने आप को वमण बोलते हैं। तो उनकी सफलता उनके साथ है, हमारी भी सफलता है। हम मैं वमण हूं के स्टेटस से हम सम्राट अशोक की संतान रहे। सम्राट अशोक ने वमण होते हुए पूरे देश को एक किया। भारत कभी भी महाभारत आज तक नहीं बन पाया, सिर्फ सम्राट अशोक ने इसको महाभारत बनाया। महा माने बड़ा भारत, जिसमें अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, ईरान, सारे कंट्री जो आजकल हमारे पड़ोसी हैं, सारे के सारे वो महाभारत का हिस्सा होते थे। यहाँ हमें वमण जो गुरु मिले उनको आज 4 अरब लोग फॉलो करते हैं, जिनका नाम तथागत बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, उनको 4 अरब लोग उनकी फिलोसफी को फॉलो करते हैं, साइंटिस्ट भी फॉलो करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको बनाया। या सुदत्त जैसा समण व्यापारी है, जिसका व्यापार उस समय इंटरनेशनल व्यापार होता था, और जो 26-27-28% GDP पूरे दुनिया की हम चलाते थे, बहुत बड़ा व्यापार होता था यहाँ पे। यहाँ पे जीवक जैसे डॉक्टर भी रहे हैं, जो उस समय सर खोपड़ी फाड़ के और
खोपड़ी में से गंद निकाल के और खाट से बांधते और खोपड़ी का ऑपरेशन किया करते थे, ऐसा लिखा हुआ है। खाट से बांधते थे ताकि वो हिले ना। तो यहां जो लोग रहे हैं वो समण जितने भी रहे हैं वो बहुत पावरफुल और बहुत कमाल के लोग रहे हैं, पर रहे तभी जब तक अपने आप को समण कहते रहे। जब उन्होंने समण कहना बंद कर दिया तब दिक्कत हो गई। आज की डेट में ये समझाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि भाई समण कहां कहां क्या क्या है, तो बाहर इसके सबूत मिलते हैं, लोग समणीय धम्म बताते हैं। मैगसिनिस की बुक में 7 प्रकार के, बल्कि 9-10 प्रकार के समण बताते हैं, और समणों का पूरा पूरा शब्दावली मिलती है, पाली समणों से भरा पड़ा है। जो महावीर जैन के आगम है वो समण से भरे पड़े हैं, पत्थरों पे समण और वमण दोनों लिखे मिलते हैं, और समण की इतनी बड़ी डिक्शनरी है समण की कि जितने भी शब्द आज हम इस्तेमाल करते हैं, समता, समन्वय, समेन, समान, सम, और ये क्या बोलते हैं, सामनेर, समण, सामनेरी, ये जितने भी सम से बने हुए शब्द हैं सारे के सारे समन के शब्द हैं, जबकि वमन के शब्द नहीं मिलते क्योंकि वो लोग तो एंटर किए इंडिया में, इसलिए उनकी कोई शब्दावली मिलती नहीं, और बमणी शब्द तो कहीं मिलता ही नहीं, मतलब वमन मिल भी जाता है पर बमणी शब्द तो है नहीं, यानी महिला तो उनके साथ है नहीं, और बमणी का एक शब्द नहीं मिलता दूर दूर तक। आपने भी कहीं बमणी या ब्राह्मणी सुना नहीं होगा, खाली ब्राह्मण सुना होगा। जो काल्पनिक कथा जो कथाएं जो हिस्ट्री हैं उसमें भी ब्राह्मणी शब्द नहीं मिलता। समणा समणी तो मिलते हैं, सामणेर और सामणेरी तो मिलते हैं, पर बमणी नहीं मिलता। तो इससे क्लियर हो जाता है कि भाई खाना बदोश लोग अकेले आए और साथ में वो कुछ लेके और नहीं आ पाए। तो हमें इकट्ठा करने के लिए क्या चाहिए? हमें इकट्ठा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, हमें इकट्ठा करने के लिए रोटी नहीं चाहिए, हमें इकट्ठा करने के लिए कोई ऐसा झूठा आश्वासन नहीं चाहिए कि हम इकट्ठे होंगे तो हम दुनिया फतेह कर लेंगे, हम सारे नियम बना लेंगे, संसद भी हमारी होगी, पार्लियामेंट भी हमारी होगी। वो सब बात की बात है, जो इकट्ठे होने से होता है वो तो होगा ही। मैं ये नहीं कहता कि होगा नहीं, जो इकट्ठे होते हैं उनका तो होता ही है, नहीं तो उदाहरण देख लो आप, 4 बमण इकट्ठे हुए तो पूरे पार्लियामेंट पर राज करते हैं, आप तो 120 करोड़ हो, तो अगर इकट्ठे हो गए तो वो सब चीजें ऑटोमेटिक मिल जाती हैं, वो बाय प्रोडक्ट है इकट्ठे होने की। मतलब आप उन पर ध्यान दे के इकट्ठा हो गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर आप इकट्ठा होने पर ध्यान दोगे तो आपको हर चीज मिलेगी, जो आपने सोची नहीं होगी वो भी मिलेगी आपने, और जो सोची है वो तो मिलेगी मिलेगी। तो इकट्ठा करने के लिए जो सूत है वो हमें उनसे समझना चाहिए, है तो हमारा ही, मैं समण हूं, पर कोई बात नहीं, हमारे लोग अपनी चीजों पर यकीन नहीं करते, भरोसा खो बैठे हैं, मतलब उनको यकीन नहीं होता। साहब काशीराम भी क्या करते थे, हो सकते, काम तो वो शंका ही कर रहे थे, पर हमारे लोग बीच में भरोसा खो गए और उनको वामदेव से गुड बाय करा दिया, झगड़ गए उनसे साहब काशीराम जी से। तो उन्होंने कहा भाई मरने से पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो जगाई जाए, तो जो काम वो शंका कर रहे थे उसे छोड़ के फिर वो राजनीति में आए भरोसा जगाने के लिए। हालांकि उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी हुआ, लॉन्ग टर्म में नुकसान है और शॉर्ट टर्म में फायदा हुआ। तो वो जो राजनीति में आए तो वो बताने को आए थे कि भाई मायूस मत होना, हम राजनीति में आगे भी हो सकते हैं, और आज की डेट में समणों के बिना कोई राजनीति भारत में नहीं हो रही है। बेशक कितने भी झगड़े चल रहे सही, पर समण वो फैक्टर हो चुके हैं, इतने जाग चुके हैं कि उनके बिना या उनको इग्नोर करके आप इग्नोर कर सकते हो उनको, आप उनकी बेइज्जती कर सकते हो, आप उनको हिस्सेदारी ना दो कोई बात नहीं, पर उनके बिना आपको अब कोई हिस्सेदारी नहीं मिलने वाली। इतने सशक्त तो हो चुके हैं और इतने पावरफुल तो हो चुके हैं, इससे आगे बढ़ने वाली बात है। तो हमारे लोगों ने एक सूत्र में बांधने के लिए, एक धागे में बांधने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए। हम लोग सबसे पहले समण थे, समण से हम लोगों को श्रमण करके भ्रमित किया गया और हमको ये कह दिया गया कि हम श्रम करने वाले लोग हैं, हम सिर्फ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम सिर्फ लेबरी हैं, हम ना राजा हैं, ना हम डॉक्टर हैं, ना हम इंजीनियर हैं, ना हम किसान हैं, ना हम लैंडलॉर्ड हैं, ना हम इंडस्ट्री के मालिक हैं, ना हम व्यापारी हैं, ऐसा हमको बताया गया जो कि झूठ है। पर श्रमण शब्द का ऐसा अर्थ बताया गया और हमारी जो एजुकेशन है उस पर बहुत सारे घात हुए, जैसे हमारा सन्निपात बहुल है उसे तोड़ा गया, हमारे लोगों में भ्रम फैलाए गए, और ये बहुत धीरे 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 हुआ है, मतलब कई सौ सालों में हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो गया, क्योंकि तब इतना ज्यादा चीजें नहीं थी तो भ्रम फैलाने में टाइम। पर भ्रम कैसे फैलता है? भ्रम ऐसे फैलता है कि अगर 4 लोग एक सी बात करें
और एक अकेला आदमी उन चार बातों को सुने तो वो चौथे आदमी तक पहुंचते पहुंचते उस बात पे सच मान लेता है। बोला भला आदमी हमारा। वो कहानी आपने सुनी होगी कि जैसे ठग होता है, वीकली बाजार होता है, जिसको हाट बोलते हैं या जिसको पैंठ बोलते हैं, उसके अंदर वीकली बाजार जो लगता है, जैसे शनि बाजार, इतवार जो यहाँ लगते हैं, तो उस बाजार के अंदर जानवर बिका करते थे। एक आदमी ने अपना बहुत बढ़िया एक गाय खरीदी, भैंस खरीदी, और भैंस खरीदने के बाद में वो भैंस को लेकर चलने लगा तो चार ठगों ने कहा कि इसकी भैंस को छीनना है। और पहले ठग ने कहा कि भाई ये तो गधा कहाँ से लाया खरीद के, तो कह तेरा दिमाग खराब है क्या, ये कोई गधा है, ये भैंस लाया मैं, ये दूध देगी, बहुत बढ़िया भैंस है। फिर दूसरा ठग मिला, उसने कहा भाई ये गधा बिना कान का लेके आया तू, कह रहा पागल है क्या, ये भैंस है उसके दोनों कान हैं। तो उसको थोड़ा डाउट हुआ कि मैं लाया तो भैंस था, ये गधा कह रहा है, वो भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, मतलब उसकी बुद्धि बंद होनी शुरू हो गई। और तीसरे आदमी तक पहुंचते पहुंचते जब उसने भी ये कहा कि ये गधा ढेंचू ढेंचू नहीं बोलेगा, चाहे तो कुछ भी बोल ले, इसको बुलवा के देख ले, और ये तो गधा हमने कई बार देखा, लोग इसको ले जाते हैं फिर छोड़ जाते हैं, तो उसके दिमाग में तो लगभग 90% बात जम गई कि भाई तीन आदमी नहीं झूठ बोल सकते। आगे जाके फिर चौथा मिल गया, चौथे वाले ने भी कह दिया। अब चौथे वाले कहते तो उसके दिमाग में ये आया कि ये क्या बवाल ले आया ये, अब चूंकि दिमाग में भ्रम डालो तो भूत प्रेत हवा ये सब डाल दो, काल्पनिक बात है, तो वो अपना भैंस छोड़ छाड़ के भाग गया। ये सिस्टम बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो काम करता है, और ये तब ज्यादा अच्छा काम करता है जब आपके पूरे मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति इसी काम को करे, जो सिर्फ भ्रम फैलाए, जो आडंबर फैलाए, उसको मॉनिटर भी करे, मेंटेन भी करे, उसको देखे भी, उसका हिसाब भी रखे, और बाकी चीजों से शाखाओं से जुड़ के उनका रोज लेखा जोखा करता रहे। वो यही काम हमारे यहाँ ये काम कोई करता नहीं भारत के अंदर, पर बाहर से आए हुए लोगों को हमारा लेखा जोखा रखना जरूरी, वो आज भी रखते हैं लेखा जोखा। तो वहां जितनी बातें वहां से चली, वहां से देखी, तो हमारे लोगों ने देखा कि जब श्रमण बना दिया तो श्रमण से उठना था, तो श्रमण से फिर नीचे अनटचेबल हो गए, अनटचेबल से फिर वो शूद्र हो गए, शूद्र के बाद से फिर जो काम था काम के आधार पर बंटवारा हो गया, तो जातों में बदल गए, और जातों में तक बदले यानी कि हमारे काम के बंटवारे के हिसाब से जब हम बंद हो गए छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। फिर हमारी एजुकेशन, हमारा व्यापार, हमारी सेहत, हमारे बच्चे, लगभग सब चले गए, हम हार गए मैदान। तो बाबा साहब जैसे, ज्योतिबा फूले जैसे, बुद्ध जैसे जो लोग हैं, ये सब बता के गए हैं, बाबा साहब ने तो एक ही चीज को बताया, तो हमारे लोगों ने उठना सीखा। तो उन्होंने, क्योंकि बाबा साहब ने हमको फिर इकट्ठा किया और हमको शूद्र से और दबे कुचले से और ये जो अनटचेबल से, उन्होंने हमको एससी एसटी और ओबीसी के नाम से तीन जगह इकट्ठा करके दिया। तो लोगों ने फिर दोबारा कास्ट में तोड़ने की कोशिश की, कर रहे हैं सारी बात की। हमारे और जो जानकार लोग हैं, उन्होंने जैसे बामसे बनाई साहब, काशीराम जी ने, या और भी लोग आए जो बाबा साहब के बाद आए, तो उन्होंने हमको एससी एसटी ओबीसी से एक बड़ा अच्छा नाम दिया इकट्ठा होने के लिए। उन्होंने कहा कि अब हम बहुजन हैं, तो बहुजन तो थे ही हम, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुजन नया नाम है, हिस्टोरिकल नहीं है, जो संख्यावाचक नाम है, पर ऐतिहासिक नहीं है, है तो वही आप श्रमण ही कह सकते हो उसको, और जो अल्पजन है उनको वमण कह सकते हो, पर ऐतिहासिक नहीं है, मतलब वमण का विलोम नहीं है, अपोजिट नहीं है। तो वहां काम हुआ, अब बहुजन का नाम लेके काम हुआ, पर वो संगठन वाला जो काम पैटर्न किया उसमें मंचमाला, माइक, पैसा, और उसमें पद पोस्ट, और उसमें नेतागिरी और दादागिरी, और एमपी और एमएलए, और बहुत सारे झगड़े जो संगठनों में होते हैं वो हुए, और वो बहुजन नाम के बहुजन रह गए, बाकी वो अलग बहुजनों के टुकड़े होते चले गए। और इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई बहुजन की फिलॉसफी लेके आए थे, तो बहुजन बनने की बजाय हम छोटे छोटे संगठनों में आ गए हैं, ऐसा स्वीकार करना चाहिए था पर किया नहीं। अब वैसे भी कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जो आदमी फिलॉसफी में पूरी जिंदगी काम करता है वो मरना पसंद करता है पर मानसिक रूप से हारना पसंद नहीं करता। उनको लगता है कि अपने लोगों से स्वीकार करने में हार है, अपने लोगों से स्वीकार करने में क्या हार है, आगे बढ़ना है, जो बात सही है उसको अडॉप्ट। भाई आपने बाबा साहब के एस सी एस टी से आगे बढ़ के बहुजन है, तो बाबा साहब तो नाराज नहीं हुए ना, बाबा साहब ने तो एक बार नहीं कहा कि मैं तुमको एस सी एस टी ओबीसी बना के गया था तुम बहुजन बन गए। तो बाबा साहब नाराज हो सकते थे, लोग कह सकते थे तुमने बाबा साहब की बात नहीं मानी, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो क्या, पर लोगों ने बात मानी, लोगों ने कहा नहीं बहुजन ठीक है, बहुजन के हिसाब से हमें मिलना चाहिए, अब एस सी एस टी ओबीसी को छोड़ो, इनको तीनों मिला के बहुजन करो। तो सबने मानी, तो आपको खुश होना चाहिए कि देखो बाबा साहब की बात को भी अच्छी बात की उसमें लोगों ने माना। फिर थोड़े और आगे बढ़े, बहुजनों के जब टुकड़े होने शुरू हो गए तो कुछ कंसेप्ट निकाला एक दो लोगों ने, उन्होंने कहा जी नहीं हम मूल निवासी हैं, वो पढ़ा कहीं क्या होते ज्योतिबा फुले किताब में कि हम मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी
पर ठीक है भाई, मूल निवासी हैं, क्योंकि बाहर के लोग तो बाहर से जो आए हैं वो तो सारी दुनिया में बाहर के लोग आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडिया में आए। अमेरिका के अंदर तो जितने भी आयरिश और इंग्लिश और जो यूरोपियन लोग हैं वो भरे पड़े हैं, वहाँ के जो ओरिजिनल रेड इंडियन लोग हैं उनको तो मार दिया, उनके तो लाखों की संख्या में कत्ल किए गए हैं। सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका पे बाहरी लोग कब्जा है और यही बाहरी लोग हैं जो राज कर रहे हैं, और वो यूरोप के सारे और अब तो पूरे एशिया के लोग भी हैं, और वो रेड इंडियन बेचारे सिर्फ नाम के लिए पड़े हुए हैं, जो वहां फर लगा के घोड़ों पर रहते हैं और वो काले हैं, मोटी नाक के हैं। तो शब्द आया एक नया, क्या शब्द आया? मूल निवासी। पर ठीक है, ये मूल निवासी होगी, ये विदेशी, और उसके हिसाब से काम होना शुरू हुआ तो चलो थोड़ा और अच्छा हुआ। पर इस मूल निवासी शब्द में और विदेशी शब्द में झगड़ा ज्यादा है, बेसिकली चैलेंज ज्यादा है, झगड़ा ज्यादा है, इकट्ठा होने की भावना कम है। इकट्ठा होने की भावना इसलिए कम है क्योंकि मूल जो निवास है, जो लोग यहां कई सौ सालों से रह रहे हैं, अब आप पूरी दुनिया में उनको सिद्ध नहीं कर सकते कि ये मूल निवासी यहां के नहीं है। अब उनकी भाषा, उनकी कल्चर, उनका रूप रंग थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, वो भी मिक्स हो चुका है। उनका व्यवहार तो वम है, यानी व्यवहार तो उल्टा है, व्यवहार तो वो यहाँ के जो लोग हैं उनको कुछ देना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा उनका विपरीत व्यवहार है। पर मूल निवासी के नाम पे आप ज्यादा पूरी दुनिया का अपना समर्थन नहीं ले सकते और ना ही लोगों को कह सकते हैं, बस जितना चल गया चल गया, जितने लोग समझ गए समझ गए। तो आपने बहुजन छोड़ा तो लोगों ने बुरा नहीं माना कि आपने बहुजन छोड़ा तो अब आप मूल निवासी पे क्यों आ गए, आपको बहुजन पे स्टिक रहना चाहिए था। और बाबा साहब ने बुरा नहीं माना कि जब मैं एस सी एस टी ओबीसी दे के गया था तो आप बहुजन क्यों आए। तो नई चीज निकल के आई कि भाई वमण का जो विलोम शब्द है और एग्जैक्ट जो शब्द है वो पुराने समय का समण है, और जिसको आप श्रमण कहते हो, यानी ब्राह्मण है तो अपोजिट शब्द श्रमण है, और अगर वमण बोलोगे तो समण है। तो आपकी जो एग्जैक्ट पहचान है, जो लास्ट पहचान है, वो समण की है। तो मैं समण हूं, तो आओ इस पर बात कर लेते हैं। तो जो मूल निवासी, जो बहुजन, या जो किसी मत को मानते हैं, जैसे बुद्धिस्ट लोग हैं, या जो रविदासी लोग हैं, या जो कबीरपंथी लोग हैं, या जो गुरु घासीदास वाले लोग हैं, या जो और संत मतों में हैं, या जो कुछ बाबाओं के मतों में हैं, जो कहीं क्या बोलते हैं निरंकारी मत में हैं, या कहीं नामदान वाले मत में हैं, राधा स्वामी मत में हैं, या बहुत सारे मतों में हैं, वो लोग अपनी छोटे से सोच में हैं और वो उन चीज़ों को बड़ा समझते हैं। उनको ये समझ नहीं है कि बड़ी आइडेंटिटी बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक आइडेंटिटी बड़ी चाहिए। आपकी छोटी छोटी मान्यताएं सारी आपके छोटे छोटे कामों के लिए हैं। आप किसी बाबा को, मत को, संत को मानते हो तो वहीं तक है, उससे आपका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलने वाला। आप अगर कहीं रहते हो तो वो क्षेत्रीय जो आपकी पहचान है वो वहीं तक है, उससे आपको भारतीय लाभ नहीं मिलने वाला है। आप अगर किसी संगठन में काम करते हो तो संगठन की जितनी लिमिट है वहीं तक है, ऐसे संगठन बहुत 29 लाख हैं, उससे आपका राष्ट्रीय काम नहीं होने वाला है। आप अगर कहीं अपने काम में फंसे हुए, आपकी कोई जात है, कोई ग्रुप है, तो वो छोटे से लोगों का है, पूरे देश का नहीं है, पर उससे आपका राष्ट्रीय कोई प्रॉब्लम नहीं हल होने वाली। राष्ट्रीय प्रॉब्लम कब हल होगी? जब आप 2 अप्रैल 2018 की तरह एक पूरे संघ में इकट्ठे हो। आपको पता नहीं कि आप समर्थ थे, पर आपको ये पता था कि इकट्ठा होना है, आप इकट्ठे हुए तो आपकी समस्या का हल हो गया। पर अगर आप राजनीतिक पार्टियों की पहचानों में उलझे रहते हो दिन, और आप ये कहते मैं तो फलानी राजनीतिक पार्टी में हूं, मैं तो फलानी राजनीतिक पार्टी में हूं, मैं तो फलानी में हूं, तो भैया कोई काम नहीं बनने वाला था। यानी राजनीतिक पहचान आपकी आपके लाभ के लिए, आपकी रोजी रोटी के लिए तो ठीक है कि आपको MLA बनना है, MP बनना है, तो आपको पेंशन मिलेगी, कुछ पैसा मिलेगा, किसी का काम कराओगे तो कुछ ऑर्गेनाइज करेगा, कहीं आपका मान सम्मान होगा, उसके लिए तो ठीक है। पर अगर आप ये सोचते हो कि राजनीतिक पार्टियां अलग अलग रह के कोई वहां मूलभूत बदलाव कर सकती हैं, या कोई क्रांतिकारी सब लोगों के लिए लाभ दे सकती हैं, तो वो सपना भूल जाओ। वो तब हो सकता है जब वहां आधे से ज्यादा लोग, प्रतिनिधि और जनता उनके पीछे एक मत की हो और एक जगह की, और वो थोड़ा असंभव नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक भी अभी। इसलिए इकट्ठे हो जाओगे तो सारी समस्या दूर हो जाएंगी, और इकट्ठे नहीं होंगे तो किसी की होगी किसी की नहीं होगी। जो पावरफुल होगा, ताकतवर होगा, कोई MLA MP होगा, कोई अफसर होगा, कोई पैसे वाला होगा, वो अपनी समस्या सॉल्व करा लेगा, पर जो कॉमन मैन होगा, आम आदमी होगा, जिसकी कहीं कोई पहुंच नहीं होगी, उसकी समस्या तो बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए जो एक शब्द है समण, ये आपकी काया पलट सकता है, ये आपकी गरीबी दूर कर सकता है, ये आपके स्वाभिमान को बढ़ा सकता है, ये आपके
मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक लेके आ सकता है। सिर्फ एक शब्द समण, ये इतना चमत्कारी, इतना जादुई शब्द है, और ये शब्द बिना अपने मुकाम तक पहुंचे मानेगा नहीं। कोई अगर ये सोचता हो कि कहीं कुछ नहीं होने वाला है, तो अभी हम एक मीटिंग में गए थे 4 साल पहले, जो लोग समण के नाम को देख के मुंह कड़वा कर लेते थे, हमने उनके मुंह से वहां ये सुनाया कि हम समण है और हमारी सभ्यता समण है, 4 आदमियों के मुंह से एक सभा में, हमें तो खुद ताज्जुब हुआ। एडवोकेट अभिषेक राज सर थे, उन्होंने बताया कि आपने ध्यान नहीं दिया, 4 लोग अपनी स्पीच में समण बोले हैं कि हम समण हैं, और ये बड़ी उपलब्धि है कि जहां 4 साल पहले वो हमारा विरोध कर रहे थे, वो आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं समण हूं। तो भाई खुशी से कहो, या रो के कहो, या हंस के कहो, या 4 साल पहले कहो, या 4 साल बाद कहो, मर्जी आपकी है। परिणाम जल्दी चाहिए तो अभी बोलो, और परिणाम अगर 100 साल बाद चाहिए तो 100 साल बोलो, पर बोलना तो पड़ेगा कि मैं समण हूं। अगर आप ये नहीं बोलोगे मैं समण हूं, तो आपको कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। इस पे हम जिससे चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें बहस कर सकते हैं। 24 घंटे पोर्टल खुला हुआ है, हमारे फोन खुले हुए हैं। किसी भी समण संघी को कोई ये सिद्ध कर दे कि बिना इकट्ठा हुए हम कुछ हासिल कर सकते हैं, तो हम ये इकट्ठा करने का जो काम इतने दिनों से कर रहे हैं या जीवन पर्यंत करेंगे, उसे अभी छोड़ देंगे। और कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मैं समण हूं से अच्छा प्रोजेक्ट है वो ये है, तो वो ले आए। अगर मैं समण हूं से अच्छा वो प्रोजेक्ट हुआ, तो हम उसके प्रोजेक्ट को तुरंत ही अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको तो इकट्ठा होना है, हमारा कोई ईगो अहम नहीं है। मैं समण हूं, कोई और शब्द हो, कोई और तरीका हो, ला के दे दो, और हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमको जुड़ना है, हमको जीतना है। जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं, जितने जुड़े हैं उतने जीते हैं, जब जुड़े हैं तब जीते हैं, जैसे जुड़े हैं वैसे जीते हैं, जुड़ेंगे जीतेंगे, और नहीं जुड़ेंगे तो मारे जाएंगे। जिद जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे। हमारा संग समण संग, मैं समण हूं। अगर मेरी किसी बात में कोई खराबी हुई हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूं, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, और हमारे सभी समण संतों को वंदा में संघ नमामि। Thank you.